The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र एवं चौराटा थाना क्षेत्र में महिला चोरों की मंडली सक्रिय है, जो आए दिन चोरियां कर रही है। वहीं रीवा में एक बार फिर महिला चोरों की गैंग ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ज्वेलरी की दुकान में जेवर खरीदने आई महिलाएं जेवरात चोरी करके रफू चक्कर हो गई। वही घटना चौराटा थाना क्षेत्र के दुआरी में डीडी कॉस्मेटिक एवं साड़ी की दुकान में भी महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधी चौराहे स्थित एक सराफा दुकान में जेवर देखने आई महिलाएं जेवर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। वहीं महिलाओं ने साड़ी की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर सिटी कोतवाली में शिकायत की गई है, जिसके बाद अब आरोपी महिलाओं की तलाश की जा रही है। चलिए जाने की फरियादी केतन सोनी के द्वारा क्या कुछ बताया गया। हमारे यहाँ जो है तीन लेडीज़ें आईं, दो पहले आईं एक बाद में आई, और तीन नग पायल जो है वो चोरी करके ले गई। कैसे घटना ऐसे हुई है कि पहले आई तो बोली पायल दिखाइए हमको, तो पहले पतली पायल उनको हमने दिखाई, तो उसको नापसंद करते हुए बोली और मोटी में दिखाइए। फिर हमने उनको मोटी दिखानी शुरू की, तो वो मोटी वाली पायलें, मोटी मोटी तीन पायलें जो है उन्होंने पार की। तीन लेडीज़ें आई थी, एक 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 करके ऐसे करके पूरा वो लोग पास करती थी। एक एक पहले वो एक हटाए, फिर दूसरी को दे, दूसरी दे, तीसरी को दे, और थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर से उधर होता था तो वो पायल जो है वहाँ से चोरी कर लेती थी। कितना सामान था? लगभग 45,000 के आसपास हमारा माल गया। कितनी जोड़ी पायल? तीन जोड़ी पायल, मोटी मोटी है, तीन जोड़ी पायल। कब घटना हुई? ये 15 तारीख को सोमवार को। घटना का सीसीटीवी फुटेज है आपके? जी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जी, उसी को देख के तो हमने जाना कि हमारे चोरी हुई है। जब ये लोग निकल गए, सामान ली भी नहीं, बोली कि पैसा मंगवाएंगे, फिर हम सब है सामान आपसे ले जाते थोड़ी देर में। हमने तुरंत उसको अपना माल भी लाया, तो रकम लगा हमको, सीसीटीवी देखा हमने तो मालूम चल गया कि जो है चोरी कर ली है। कहाँ पर शिकायत की है? सिटी कोतवाली में। कहाँ पर शिकायत हो जी? अपने यहाँ FIR दर्ज हो गई। कितनी महिलाएं थी साथ में? तीन महिलाएं थी। क्या नाम है, कौन सा नाम से दुकान है? भूमिका ज्वेलर्स दुकान का नाम है, और मैं केतन सोनी। कहाँ पर दुकान? सिंधी चौराहे से गुढ़ाई बाजार रोड में। हमारा नाम स्नेहलता मिश्रा है। हमारी दुकान JP रोड अमरैया दुआरी राइस मिल के पास है, DD मार्ट नाम से। हमारे यहाँ 8 तारीख को सोमवार के दिन कुछ लेडीज़ें आईं। स्टार्टिंग में दो लेडीज़ें आईं, उन्होंने बोला कि 700-800 की रेंज की साड़ियाँ चाहिए। उसके बाद हमारे हस्बैंड थे, मैं अपने घर पे थी, वो दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते उन्होंने 4-5 साड़ियाँ तो स्टार्टिंग में ही चुरा ली। उसके बाद मैं आई जस्ट 5 मिनट बाद ही, तो मैं भी दिखाने लगी उन लोगों को साड़ियाँ। हम और हमारे हस्बैंड दोनों मिलके दिखा रहे थे। वो हम लोग को दिखाते दिखाते बस बोलती थी और दिखाइए, ऐसी दिखाइए, लेस वाली पतली लेस की दिखाइए, तो हम लोग निकालने लगते थे। जैसे हम लोग टर्न होते थे पीछे, वैसे ही वो लोग मौका पा के एक सेकेंड के अंदर ही 4-4 साड़ियाँ वो पन्नी से निकाल निकाल के, और एक जरा छोटा सा बैग ली थी, उसको जब वो खोलती थी तो काफ़ी बड़ा हो जाता था, तो उसमें भर भर के और दूसरे को पास करती जाती थी। वो बाहर थूकने के बहाने जाके, और उनका कुछ और ग्रुप था, वो 6-7 ग्रुप में थी, तो वो बाहर खड़ी रहती थी, उनको दे देती थी। ऐसे तैसे करके उन्होंने मतलब 25-26 साड़ियाँ ले ली। हम लोग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा। कैसे पता चला? हम लोग को पता चला कि हम लोग CCTV कैमरा बाद में देखे, ऐसा कुछ लगा, क्योंकि उसके जस्ट 5 मिनट बाद फिर तीन लेडीज़ें फिर आईं, उन्हीं के ग्रुप की ही थी, उसके जैसे ही वेशभूषा रंग रूप वैसे ही था उनका। वो भी कंगन बोली, कंगन दिखाओ, चूड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाओ, वो भी ऐसे करके हम लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रही थी। वो लोग इसलिए आई थी कि वो जो साड़ी लेके गई हैं उनका ग्रुप, वो कुछ आगे तक निकल सके 5-10 मिनट के लिए, वो भी साड़ी देखने के बहाने आई। हम लोग उनको भी दिखाए, पर वो लोग नहीं ले पाई, हम लोग नहीं उनको वो कर पाए। हाँ, घटना से वो लोग हमारे यहाँ से कंगन फिर चुराई, जो तीन लेडीज़ें बाद में आई थी उन्होंने कंगन चुराया, तो हम लोगों ने देख लिया उनको। तो जैसे ही उनको पकड़ने के लिए गए, पकड़ भी लिया था उनको, पर हम लोग को ये नहीं पता था कि पहले वाले जो आई थी वो साड़ियाँ चुरा के ले गई। उनको पकड़ लिया तो माफ़ी वाफ़ी मांगने लगी कि माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो हम लोग छोड़ दिए कि 150 की चीज़ है, क्या पुलिस को परेशान करना।
अब हम लोग वापस जब दुकान में अपने आए जस्ट 5 मिनट में ही, तो हम लोगों ने कैमरा देखा, हमारे हस्बैंड बोले देखते हैं कहीं वो लोग भी तो कुछ नहीं लेके गई। अब जैसे ही देखे वैसे ही पता चला कि वो साड़ी तुरंत आते ही, जैसे हम लोग पीछे मुड़ मुड़ के दिखाने लगते थे साड़ियाँ लेने के लिए, उनको दिखाने के लिए, वैसे इतने में ही वो दो दो तीन तीन करके साड़ियाँ चुरा लेती थी। तो हम लोगों को कैमरे के द्वारा पता चला कि मतलब इतनी साड़ियाँ उन्होंने 25-26 साड़ियाँ उन्होंने चुराई है। कौन सा थाना लगता है शिकायत की? ये हम लोगों का चुरहटा थाना लगता है। हाँ, कंप्लेन किए हैं हमारे हस्बैंड पुलिस में। हाँ, क्या लगता है महिलाओं की गैंग सक्रिय है? हाँ, महिलाओं की गैंग इस समय सक्रिय है, और वो सोमवार को ही 15 तारीख को पुनः आई थी जेपी रोड में ही, दो तीन दुकानों में वो आई थी। पर उन लेडीज़ों को ये नहीं मालूम था कि ऐसा हो चुका है 8 तारीख को। उन्होंने हमसे बात हुई, बाद में बात हुई, अभी कल बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसी लेडीज़ें आई थी, हमने उनको भी वीडियो और फोटो भेजा है कि अगर ऐसी लेडीज़ें आती हैं तो आप लोग सतर्क रहिए और हमको हमारे नंबर पे संपर्क करिए। तो उन्होंने बताया कि आई तो थी, लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि वो पहले नहीं मालूम था कि मेरे यहाँ ऐसी घटना हो गई, नहीं तो वो पकड़ जाती। नाम बता दिया? नाम हमारा स्नेहलता मिश्रा है, और हमारी शॉप का नाम DD Mart JP रोड अमरैया द्वारी राइस। द माया इंटरनेशनल स्कूल aims to bring holistic learning as per new education policy. Focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.